हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी इस इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 8th का हनीडू बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। और जैसा कि इसकी हेडलाइन में लिखा है, टेकन फ्रॉम आर फ्रीडम मूवमेंट बाय एसडी सावंत। यह आर फ्रीडम मूवमेंट नामक बुक जो कि एसडी सावंत ने लिखी, उसी के कुछ हिस्सों में से लिया गया है। ग्लिम्सेस वर्ड का तात्पर्य अलग अलग झलक से है। ग्लिम्स का मतलब झलक होता है। झलक हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमारा कोई फ्रेंड बाहर घूमने जाए और हम उससे पूछना चाहें कि आपकी यात्रा कैसे रही, तो वो सारी यात्रा तो हमको एक साथ नहीं बता पाएगा। तो हमको कुछ फोटोग्राफ्स या कुछ वीडियो से हमको वो सारी यात्रा के बारे में समझा देता है। ये जो सारी यात्राएँ हमारे सामने होती है, हम खुद वहाँ नहीं गए लेकिन हमने उनकी एक झलक देखी, इस झलक को ही ग्लिम्स कहा जाता है। और पास्ट का मतलब है पुरानी बातें। तो ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट में हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में। बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हम हमारे फर्स्ट इंडियन मूवमेंट, प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 1857 में हुआ था। उस समय कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी, किस प्रकार से मार्टियर्स रहे होंगे, किस प्रकार से लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए मूवमेंट्स किए होंगे, ऐसी बातें बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन हम विद्या मंदिर के भैया बहन इन सब बातों के प्रति उत्सुक होते हैं, क्योंकि यही बातें हमारे अंदर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के भाव और आगे बढ़ाती हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, फॉर्चुनेटली इतना अच्छा चैप्टर हमको पढ़ने को मिला है जिससे हम हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को भी सुधार पाएंगे और राष्ट्रभक्ति की और भी बढ़ पाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। चैप्टर की स्टार्टिंग में जैसे कि हमेशा होता है बिफोर यू रीड, वही टॉपिक दिया गया है। हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। यहाँ कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्सेस दिए गए हैं, कुछ चित्र के रूप में, जैसा कि पिछले चैप्टर्स में रहते थे, पैराग्राफ्स आते थे, पोइम आते थे, उससे भी आगे बढ़ करके क्रिएटिविटी वाला ये चैप्टर है जिसमें अत्यधिक क्रिएटिविटी काम में ली गई है। और किसी भी क्वेश्चन आंसर्स को समझने के लिए उनको पढ़ें, उससे बेटर अगर वो पिक्टोरियल मेथड हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वैसा ही ये चैप्टर है। तो हमें कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्सेस, कुछ झलक दी गई है जो कि हमें इतिहास बताती है हमारे देश का 1757 टू 1857, यानी कि 1757 से लेके 1857। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लेरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। और ये जो पिक्चर्स है डियर स्टूडेंट्स, और इन पिक्चर्स के साथ में कुछ स्पीच बबल्स हैं। स्पीच बबल्स का मतलब कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उस समय वो पिक्चर में क्या सोचा गया है, वो क्या कुछ बोलना चाह रही है पिक्चर, और हमें पिक्चर क्या समझाना चाह रही है, ऐसे स्पीच बबल्स दिए गए हैं। ये आपको हेल्प करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपकी समझ को, कि उस समय कैसी कंडीशन रही होगी उस घटना के दौरान, क्यों हमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ना पड़ा 1857 में। हमें याद है 1857 प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम लिखने वाले वीर सावरकर थे, उन्होंने भी उस समय की पूरी परिस्थिति लिखी। आज इंग्लिश की बुक में हमें वैसा ही ये मौका मिलने वाला है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर के बिगनिंग में एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक लेडी एक गीत गा रही है और स्पीकिंग बबल्स, स्पीच बबल में उस गीत के बोल लिखे हुए हैं। आप ठीक ढंग से देख रहे हैं प्यारे डियर स्टूडेंट्स कि यह स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हैं, और उनके ठीक पास में बैठे हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक उन्हीं के पास में लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी। और नीचे भी एक पिक्चर है जिसमें कुछ मार्टियर्स के नाम दिए गए हैं, कुछ मार्टियर्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। और उनकी हेडलाइन दी गई है द मार्टियर्स। मार्टियर्स का तात्पर्य शहीदों से होता है जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। तो चैप्टर की बिगनिंग में ही हमें एक दिल्ली के एक इवेंट के बारे में बताया गया जहाँ पर लता मंगेशकर एक सॉन्ग गा रही है, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो तुम कहानी, और इस गीत के द्वारा वह हम सब के अंदर वह फीलिंग्स भरना चाहती है कि हम जिस स्वतंत्र देश में रह रहे हैं उसको आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी यंग लाइफ में ही अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, और भगत सिंह का एग्जांपल तो हमारे लिए सबसे बड़ा है। तो आज हम चैप्टर की स्टार्टिंग में ही उसे याद करते हैं, और चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले पिक्चर ही मार्टियर्स के बारे में दी गई। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मार्टियर्स का हिंदी मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मार्टियर्स का तात्पर्य होता है जो देश के लिए शहीद हुए। स्टार्टिंग के पिक्टोरियल में हमें एक इंडिया का मैप दिया गया है और लिखा है इंडिया 1765। इसका मतलब यह पूरा मैप भारत के नक्शे को बताता है कि भारत की कंडीशन 1765 में कैसी थी, और ऊपर लिखा है विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th century इंडिया। अपने सुपीरियर वेपन्स के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में भारतीय राजाओं के मुकाबले अधिक अच्छे प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, उनकी पॉलिसी ज़्यादा बेटर थी जिससे वो हमारे ऊपर राज कर पाए। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग, वो अपने राज्य को बढ़ा रही थी, इट्स पावर इन 18th century 18वीं शताब्दी में। इस नक्शे को देखिए प्यारे भैया बहनों, इंडिया के मैप में जो ये येलो कलर है इसके लिए लिखा हुआ है इंडियन प्रिंसेस, यानी जो भारतीय राजा थे उनका राज्य था भारत के बड़े से बड़े हिस्से पर। और आगे लिखा है जो ये रेड कलर का, वो लिखा है ब्रिटिश टेरिटरी, जिसका तात्पर्य है इस रेड कलर वाले हिस्से पर, इतने राज्यों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संप्रभुत्व था। हाँ, धीरे 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 यह पोजीशन बदलती गई, बिल्कुल अपोजिट होती गई, और भारत के अधिकतम हिस्से पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा हो गया। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइंग टू एक्सटेंड देयर स्टेट, व्हाट डिड इंडियन प्रिंसेस डू का तात्पर्य, इंडियन प्रिंसेस क्या कर रहे थे, भारतीय राजा क्या कर रहे थे। तो देखिए दूसरी पिक्चर में क्या लिखा है, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, वो शॉर्ट साइटेड थे। शॉर्ट साइटेड का मतलब वो लंबे टर्म के बारे में नहीं सोचते थे, लंबी योजनाओं के बारे में नहीं सोचते थे, त्वरित क्या फ़ायदा अथवा नुकसान हो रहा है उसके बारे में ही वो सोचते थे, उनकी सोच लंबी दूर की नहीं रही, और यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य था हमारी कंट्री का। देखिए इस पिक्चर में एक किंग है और चारों तरफ उसके दरबारी और सैनिक खड़े हैं, और वो किंग क्या बोल रहा है जो कि स्पीच बबल में लिखा है, डेट अप स्टार्ट राजा भा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। वो राजा अपने दरबारियों से कह रहा है कि कोई दूसरा राजा, जिसके लिए अप स्टार्ट राजा भा लिखा गया, अप स्टार्ट राजा भा जो उसका साथी नहीं है, नया नया राजा बना है, उसके विरोध में उसको हराने के लिए वह बुला रहा है किसे, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, ब्रिटिश व्यापारियों को बुलाओ। ब्रिटिश व्यापारियों को क्यों बुलाना चाहते हैं, हमने पिछले पिक्चर में देखा, बिकॉज दे हैड सुपीरियर वेपन्स, उनको बुलाओ, सो दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, जिससे मैं दूसरे राजा को हरा दूँ। इसका तात्पर्य है वह अभी दूसरे राजा को हराने के लिए ब्रिटिश मर्चेंट्स की सहायता ले रहा था, और ये नहीं सोच रहा था कि ब्रिटिश मर्चेंट से भी तो मुझे लड़ना पड़ेगा बाद में। इसका तात्पर्य है पहले सारे के सारे प्रिंसेस शॉर्ट साइटेड थे, और नीचे लिखा है द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, छोटी छोटी बातों के लिए सभी राजा आपस में लड़ते रहते थे, लगातार ये लड़ाई चलती रहती थी, तो जनता में कहीं पर भी शांति नहीं थी, और यही सबसे बड़ा लॉजिक रहा होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे 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 करके सभी राजाओं को डिफीट कर दिया। नेक्स्ट पिक्चर की ओर बढ़ते हैं तो हमें लिखा हुआ मिलता है द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। राइवलरीज का मतलब है आपसी लड़ाई, आपसी लड़ाई ने हेल्प किया, हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, किसे सहायता दी, द ईस्ट इंडिया कंपनी को, एंड इट कुड ईजीली सबड्यू, और उसने आसानी से सबड्यू कर लिया, सबड्यू का मतलब है ओवर पार कर लिया, उन्हीं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, किनके ऊपर, द इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। हमने देखा कि पिछले पिक्चर में ये लिखाया गया था कि
भारतीय राजा जो थे वो शॉर्ट साइटेड थे, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, राइवलरीज उनकी चलती रहती थी, और वह ब्रिटिश मर्चेंट से सहायता करते। वो ये समझ ही नहीं पाए कि जो पावरफुल ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं जो आपकी अभी सहायता कर रहे हैं वो आपको बाद में ओवरड्यू कर लेंगे। और बहुत ही ईजीली ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत के सभी राजाओं के ओवरड्यू ओवर पावर कर लिया, जिसके लिए नया शब्द आया सबड्यू। नेक्स्ट पिक्चर मैसूर के किंग टीपू सुल्तान की दी गई है। हालांकि हिस्ट्री में इनके बारे में बहुत सारे मतभेद हैं, फिर भी यह अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिशर्स से लड़ते रहे। इन्हें फ्री सींग रूलर कहा गया है। यह शॉर्ट साइटेड प्रिंस नहीं थे, यह लंबी दूरी की सोच रखते थे और अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। When the Britishers were extending their state in our country and all of our kings are short-sighted, how did Indian reacts? Indians react in these conquests? Conquest का मतलब जिस समय Britishers हमारे देश को विजित कर रहे थे उस समय सामान्य भारतीय क्या सोच रहे थे। तो देखिए इसमें दो पिक्चर्स दी गई है। पहले प्रकार के लोग क्या सोच रहे हैं पहले उनकी ओर ध्यान देते हैं। थैंक गॉड देयर इज अ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। एक व्यक्ति बोल रहा है भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि अब पूरे देश में स्वतंत्रता हो गई है, पूरे देश में शांति हो गई है। पीस का तात्पर्य शांति, क्योंकि अब सभी जगह पर ब्रिटिश मर्चेंट्स का राज था, किसी दूसरे राजा से झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं थी, ब्रिटिशर्स के राज में हम सभी एक थे। और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, और यहाँ तक कि उन्होंने तो इसे उन्हें ईश्वर ही मान लिया, कहा कि ईश्वर ने उन्हें भेजा है हमारे लिए। और तीसरा व्यक्ति बोल रहा है आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विथ देम, हमारा भाग्य ही उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये पहले दर्जे के लोग वो थे जो ब्रिटिशर्स को ईश्वर का प्रतिनिधि मान रहे थे और वो सोच रहे थे कि हिंदुस्तान में शांति के लिए ही ब्रिटिशर्स को ईश्वर ने भेजा है। जबकि दूसरी तरह के लोग भी थे, वो क्या बात कर रहे हैं चलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिसथ्रोन आर किंग्स, वो व्यक्ति दूसरों को समझा रहा है इन गोरे लोगों ने हमारे राजाओं को मार दिया अथवा उन्हें उनके पोस्ट से हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल देवर ऑफ दिस लैंड, और दूसरा व्यक्ति और आगे बढ़ के कहता है हाँ कुछ राजा अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी हैं तो वो हमारे देश के हैं, तो वो हमारे स्वजातीय। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब तो हम फॉरेनर्स के विदेशियों के दास बन गए हैं, गुलाम बन गए। भले ही हमारे राजा कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन थे तो वो हमारे अपने, हम धीरे धीरे हमारी बात को सुलझा लेते लेकिन अब तो हमको गुलाम बनना पड़ गया है। नेक्स्ट पिक दी गई है ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836, जिस समय वो अपना राज्य मजबूत कर रहे थे उसी समय इंडिया के जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो मत पंथ संप्रदाय के जो धर्म गुरु थे, उन्होंने किस प्रकार की कंडीशंस को तैयार किया जिसका भी सपोर्ट ब्रिटिशर्स को मिला और वह अपने राज्य को एक्सटेंड कर पाए। देखिए पहली पिक्चर में एक रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, वह अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के बारे में और चाइल्ड मैरिज छोटे छोटे बच्चों की शादी के बारे में अपने विचार रख रहे हैं। प्रीच का मतलब भाषण दे रहे हैं। एक संत बोलते हुए कह रहे हैं एनी वन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस इज रिलीजन, यदि किसी ने भी समुद्र को पार किया अर्थात समुद्र को पार करने से उसका धर्म खत्म हो जाएगा। अब ये कैसी बात थी, और इसी का फ़ायदा ब्रिटिशर्स को मिला ही होगा। और दूसरी तरफ एक महापुरुष जिन्हें हम संत कह रहे हैं वो बोल रहे हैं ऑल द मिस्ट्री इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, दुनिया में जितने भी दुखदायी कार्य हैं जितने भी दुख हैं उनका कारण महिलाएं हैं, औरतें हैं, बच्चियां हैं। इस प्रकार की अनर्गल बातों से भी ब्रिटिशर्स को आगे आने वाले समय में फ़ायदा मिला। हालांकि हमारे धर्म में कहीं पर भी छुआछूत नहीं लिखा गया है, कहीं पर भी छुआछूत के लिए स्थान नहीं है, महिलाओं को सम्मानजनक दर्जा दिया गया, लेकिन कुछ रिलीजियस लीडर्स के कारण अंग्रेज़ों को भारत में
इन कुरूतियों को फैलाने का मौका मिला और यही कुरूतियाँ आगे जा कर के ब्रिटिश रूल में भी सहायक बनी, क्योंकि इन्हीं कुरूतियों को लेकर के वो हमें बार बार समझाते रहे कि आप लोग बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, जबकि हमारा समाज शुरू से ही काफ़ी प्रगतिशील रहा, लेकिन कुछ तथाकथित रिलीजियस लीडर्स के कारण हमें नीचा देखना पड़ा और हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन हुआ। द ट्रुथ वॉज डेट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, और वास्तविकता यह थी, सच्चाई भी यह थी कि भारतीयों ने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खुद ही गंवा दिया था। द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम, और इसी की मजाक उड़ाते थे ब्रिटिशर्स, भारतीयों ने अपने ऊपर विश्वास रखना, अपना आत्मसम्मान ही गंवा दिया था। देखिए एक ब्रिटिश ऑफिसर्स बोल रहे हैं, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, वह तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वह तो भरोसे के लायक ही नहीं है, वो वर्दी नहीं है, लायक ही नहीं है। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, उनमें ईमानदारी बिल्कुल नहीं है। और पास में खड़े ही, क्योंकि हम उनके स्लेव्स थे, हम उनके गुलाम थे, हम उनकी नौकरी करने की हमारी मजबूरी थी, तो हम भी हमारे नेटिव लोगों की, हमारे ही भारतीय लोगों की मजाक उड़ाना सहन करते और कहते ट्रू, हाँ ये सच है, भले ही वो मेरा रिश्तेदार हो लेकिन मैं उनकी मजाक उड़ाने की बात को मान लेता। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी, मेरे राज्य का निवासी ईमानदार नहीं है। और यही राइवलरी का फ़ायदा अंग्रेज उठाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भारतीयों में सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं बचा और वो एक दूसरे की मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वॉन्टेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। बींग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वॉन्टेड क्विक प्रॉफिट्स, क्योंकि वह तो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, तो वह जल्दी से जल्दी अपने व्यापार में मुनाफा चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स, और उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किसानों पर भारी से भारी टैक्सेस अर्थात कर लगाना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर एक किसान ब्रिटिश ऑफिसर्स को बोल रहा है, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके आदमी जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो मेरी सारी फसलों को ले जा रहे हैं, मैं आपको क्या टैक्स दूंगा, मेरी सारी फसलें तो आप ले जा रहे हैं। और उसके जवाब में ब्रिटिशर्स का क्या जवाब है, देखिए, यू आर स्टिल इन एरिरास, तुम अभी भी मेरे लेनदार हो, देनदार हो, हमने तुमको जो पैसा दिया था खेती करने के लिए वो अभी भी चुकता नहीं कर पाए हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुमने अगले सप्ताह तक ये पैसा नहीं दिया, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। उनकी थ्रीट रहती थी, वो हर समय उन्हें धमकी देते, थ्रीटन में रहते थे, धमकाते रहते थे, और इस प्रकार से उन्होंने किसानों का जीना दुर्भर कर दिया। उनसे वो केवल प्रॉफिट कमाते रहे, किसानों का उन्होंने कभी भी भला नहीं किया। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, किसानों के ऊपर अत्याचार के अलावा वो और भी तरीके खोज रहे थे जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ये तो हम जानते हैं कि वो बहुत ही क्लेवर थे, तभी तो उन्होंने इंडिया पर इतने सालों तक राज्य किया। देखिए एक ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे हैं, एक ब्रिटिशर क्या बोल रहे हैं, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। इनका एक आइडिया आया कि जब भी ब्रिटेन में कोई सामान बने और वो इंडिया में इम्पोर्ट किया जाए, जब वो भारत में लाया जाए, तो उन सामान पर, उन मैन्युफैक्चरर्स पर कोई भी टैक्स नहीं लगे, वो यहाँ पर सस्ते बिकें। तो जब हमारा सामान सस्ता बिकेगा तो इंडियंस का सामान तो बिकेगा ही नहीं। और उनकी बातों को उनके जो कुलिग्स होते थे वो समर्थन करते थे। देखिए एक व्यक्ति बोल रहा है, अ गुड आइडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, और यह ब्रिटिशर्स के खुद का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना का आइडियाज़ जो थे वो भारतीय कंपनियों को, भारतीय इंडस्ट्रीज़ को क्रिपल कर रहा था, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था, भारतीय उद्योग धंधे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। लेकिन अंग्रेज़ों को तो केवल अपने फ़ायदे से मतलब था, वो नए नए आइडियाज़ बनाते थे, नए नए लॉज बनाते थे। ये लॉज, ये कानून केवल खुद के फ़ायदे के लिए होते थे, क्योंकि बेसिकली वो थे तो मर्चेंट्स ही जो केवल अपना फ़ायदा सोचते थे। इनएविटेबली फेमिन्स फॉलोड, और तभी उसी दौर में बिटवीन 1822 एंड 1836 1822 से
1836 के बीच में, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसी फेमिन फॉलोड हुई। फेमिन का मतलब अनाज की कमी, भोजन की कमी, जिसे हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते, वो हुआ। और उसी दौरान 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टर्वेशन, और इसी भूख से, इसी भूख प्यास से, इसी फेमिन के कारण 15 लाख से अधिक लोग, 15 लाख इंडियंस की मृत्यु हुई। द ब्रिटिश पॉलिसीज रुइन द एक्सपर्ट्स आर्टिसंस एंड देयर बिजनेसेस, और ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उनका दूसरा प्रभाव पहले किसानों पर, उद्योगपतियों पर, और आगे जा कर के उनका प्रभाव आर्टिसंस पर भी पड़ा। आर्टिसंस का तात्पर्य जो अपने हाथों से एक उद्योग धंधे चलाते हैं, कुटीर उद्योग धंधे, वो भी सब खत्म हुए। और उन्हीं के चलते 1822 से 1836 के बीच में अकाल के कारण 15 लाख से अधिक भारतीयों की मृत्यु भी हुई। तो इस प्रकार से हमारा इस चैप्टर का, द ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। और इसमें हम लोग यह भी जान पाते हैं किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी से, अपने क्लेवरनेस से, और हमारी कुछ कमियों से हमारे ऊपर रूल किया और हमको कितना नुकसान पहुंचाया। आगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।